गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रशांत चतुर्वेदी चैनल आई होप योर आर गोइंग वेल तो कैसे यार आप सब हेलो कुलदीप हेलो हेलो लिंजू हेलो अजर हेलो तरुण हेलो अंकिता अच्छा मंजू शर्मा आप जींस से हो अरे मैं भी जींस से ही हूँ यार क्या बात है वेरी गुड हेलो पूर्वा गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्वागतिका तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं अपना कंजंक्शंस ठीक है तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान से सीखने और फिर देखना इसमें कभी गलती नहीं होगी आपसे तो हेलो ऋषि सबको आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से बच्चे तो अच्छे से सुन पा रहे हो गुड इवनिंग सार्थक हेलो दुशांत गुड इवनिंग एवरी यार सुमंता कुमार साहू नहीं आएगी याद तो वर्षों नहीं आएगी पर जब आएगी तो बहुत याद आएगी ये काश का कौन सी शायरी शेर शायरी लिख रहे हो आजकल सुमंता हेलो तरव नाम गुड यार हे यू हेलो दीपा तो चलो भाई शुरू करते हैं यार अपना सेशन और जिस जिसने जिस जिस बेशरम ने सेशन लाइक नहीं किया ना अभी तक ठीक है मतलब तो रहने दो यार तुम तो तुम तो ना एक नंबर के वो मतलब क्या ही बोलूँ अभी ठीक है फटाफट सेशन को लाइक कर दो ठीक है जो जो तो देख रहे हैं और लेट्स स्टार्ट द सेशन द टॉपिक विल बी टेकिंग कंजंक्शन हाँ जी गैस अब uh, बस वो uh, कैब का सॉरी uh, ग्रामर का एक सेशन रहता है क्या नाम है अपना केसरी Uh, उसके बाद फिर अपन शुरू करेंगे क्लोज टेस्ट फिर अपन करेंगे uh, क्या बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिर हम uh, आ जाएंगे वो कैब सेक्शन पर तो ग्रामर का एक एक चैप्टर रह गया बस जो अगली क्लास में पूरा हो जाएगा एंड देन विल टेक अप वो कैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं भवनीत मैंने देखा नहीं यार नए वाला सिलेबस कुछ चेंज आया क्या 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 डिफरेंस आया बताओगे कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं भवनीत उसमें गुड इवनिंग पायल गुड इवनिंग एवरी वन हलो निखिल चलो यार शुरू करते हैं तो गाइज कौन मुझे बता सकता है कंजंक्शन क्या होते हैं ठीक है डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं बट uh, अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हो कि कंजंक्शन क्या होते हैं गाइज तो गाइज बिफोर वी बिगिन द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द कोर्स दैट वी हैव हैच्ड एंड दिस कोर्स दिस इज फॉर एटी सी इन बोथ एंड दिस इज द प्राइज Wherein you will find all the video lectures accessible on both laptop and mobiles, printable PDFs, PDF questions uh, for practice questions, for, uh, and then topic-wise sectional quiz and then doubt discussion. And guys, we have named this batch, and uh, this is uh, the best series for AII ATC test series. Uh, there is also another test series which is for 499 rupees only, which includes ten full-length mock test. Right? <laughs> now the comprehension I am carrying, Rakesh Abhi. सिमलर्सा ही होगा ज्यादा फर्क नहीं आ सकता वेरी गुड पायल तो कंजंक्शन क्या होता है गाइस जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं जॉइनिंग वर्ड्स वेरी गुड यार कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस मेकिंग एंड एर करेक्शन एर करेक्शन तो करते ही आए हैं एर डिटेक्शन एर करेक्शन वो तो होता ही है सेंटेंस मेकिंग इज बेसिकली गाइस जो एक, आपको पार्ट दिया होगा उसमें सेंटेंस आपको कोई वर्ब दी होगी सेंटेंस बनाना होगा तो ये बहुत सिंपल है यार

ठीक है वो पॉइंट जंक्शन चाहे हिंदी में बोल लो चाहे इंग्लिश में बोल लो जंक्शन क्या होता है वो पॉइंट जहाँ पे हिंदी में जैसे जंक्शन क्या होता है जहां पे दो गाड़ियाँ आके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं होता है ना ट्रेन जंक्शन या इंग्लिश में जंक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना और यहाँ पे कौन का मतलब होता है कंकरेंट जंक्शन या सी से ही याद रख लो सी से या कौन से कंजंक्शन कौन से कनेक्टर्स ऐसे भी याद रख सकते हो तो वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को दो पार्ट्स को या दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से उनको हम क्या बोलते हैं गाइस कंजंक्शंस राइट तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस सिंपल सी कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स एज दे जॉइन आइदर टू सेंटेंसेस और टू सब्जेक्ट्स वो दो सब्जेक्ट्स को या दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कंजंक्शंस गुड इवनिंग नवनीत एब्सोल्युटली आकाश वेरी वेल डन तो अब कंजंक्शन बेसिकली कैसे कैसे होते हैं देखना मैं बोलता हूँ राम एंड शाम आर प्लेइंग टुगेदर किस वर्ड ने जोड़ा एंड रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज वर्किंग वेरी हार्ड शी अलोंग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप ठीक है बिसाइड्स बट सो देयरफॉर फॉर Hence, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं ठीक है रोहित बिसाइड्स हिज क्लासमेट्स हैज अपियर्ड फॉर दिस टेस्ट एवरीबडी बडी वॉज प्रेजेंट बट द टीचर वॉज एबसेंट इट वॉज रेनिंग सो आई कुडेंट रीच ऑन टाइम ठीक है ही मेड अ मिस्टेक दे फॉर ही वॉज पनिश्ड दे वर्क रियली हार्ड हैंस देवर एबल टू क्रैक द एग्जाम सो so बेसिकली वो वर्ड्स जो दो पार्ट्स को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कंजंक्शन इट इज एप्सुलटली ईजी टू क्रैक दिस एग्जाम इन जनरल डोंट वरी विष्णु अपना बेस्ट दो यार ये सब चीज़ें बाद में मायने रखेंगे ही पहले मायने रखेगा आपकी मेहनत ठीक है गुड इवनिंग थे चोपड़ा सही है यार uh, गुड इवनिंग नरेंद्र बिटवीन तो प्रपोजिशन होता है बिटवीन uh, वो एंड वाला एंड के साथ जब लगता है ना तब वो Uh, मतलब वो प्रपोजिशन ही रहता है याद है बिटवीन रोहित एंड रीना या बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये प्रपोजिशन होता है वो कंजंक्शन नहीं होता ठीक है बिकॉज बिकॉज होता है कंजंक्शन भाई सब ऐसे ही कुछ हम कशनस आज करने वाले हैं एब्सोल्युटली uh, सत्येंद्र uh, तो चलो गई शुरू करते हैं कंजंक्शन की अंडरस्टैंडिंग अब उसने कंजंक्शन को ना बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है गाइस देखना अब ना मैं आपको इसके टॉपिक के बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला आपको बस ये समझ आना चाहिए कि कंजंक्शन क्या होते हैं गईज हाँ जी गुड इवनिंग आशु यस गईज़ तो मुझे आ, अब सी चीज सबको समझ आ गई एक बार फटाफट से यस सैन ओ में बता दो कि कंजंक्शन का मतलब सबको क्लियर हो गया कंजंक्शन क्या होते हैं जिस उसने सेशन लाइक नहीं किया है साठ से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं यार ऐसे मत करो यार अगर अच्छा लगता है आप आते हो पढ़ने के लिए तो एक लाइक like तो डिजर्व करता है यार मैं नहीं फ्री में है कोई पैसा नहीं लग रहा है उसका अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दो बेशक लेकिन कुछ तो करो ऐसे ठस क्यों बैठे रहते हो हेलो आशु हेलो अंकिता फटाफट से पहले सेशन लाइक कर दो और फटाफट से पहले मुझे यस यह सहनों में बता दो सबको पता चल गया कि कंजंक्शन क्या होते हैं किसी कोई को कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अभी डिवाइड किया होता है ठीक है सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपके गाइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक है फिर है आपके गाइस सबोडिनेटिंग कंजंक्शन पर इन सबका मतलब इनके नाम में ही छिपा हुआ है देखना और तीसरी कैटेगरी के है गाइस को रेलेटिव कंजंक्शन फर्स्ट टाइम लाइव यू लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल अरे थैंक यू प्रखर थैंक यू सो मच यार अच्छा इंट्रोम कर दिया राज कोई बात नहीं गुड जॉब right, यार अब कंजंक्शन को ना उसने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव अब इनकी डेप्थ में नहीं जाना इनको बस थोड़ा सा आपको ना अब इसका कोई पर्पज नहीं है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ठीक है आपको बेसिक समझ आ गया अब ये सिर्फ आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बता देगी ठीक है अब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है गाइस कोऑर्डिनेशन क्या होता है तालमेल है ना तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं जो जिन दो पार्ट्स को जोड़ते हैं ठीक है सो एनी यू नो द वर्ड्स दैट कनेक्ट

Yet and so. ये जो कंजशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं गाइज कोटिंग कंजंक्शन ठीक है अरे फर्स्ट टाइम लाइव सेशन वेलकम टू द सेशन सो गाइज सो वाई वी कॉल दम कोर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि देखना जब भी हम इनको यूज करते हैं ये दो पार्ट को कोर्डिनेशन में ले आते हैं जैसे मैं बोलता हूं इंडिया एंड रशिया आर डेवेलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया एंड रशिया अब इंडिया का भी उतना ही हिस्सा है और रशिया का भी उतना ही हिस्सा है समझ तो रहे हो तो दोनों पार्ट्स को क्या क्या किया इसने कोऑर्डिनेशन में ले आया ठीक है फॉर को हम ना फॉर वैसे तो प्रपोजिशन होता है लेकिन फॉर को एक जगह कंजंक्शन पे भी यूज करते हैं हम ठीक है क्योंकि की तरह जैसे मैं बोलता हूँ ये सेंटेंस सुने कभी आई एम गोइंग होम नाउ फॉर इट इज गेटिंग क्वाइट डार्क मैं अब घर जा रहा हूँ क्योंकि काफी अंधेरा हो गया है काफी रात हो गई है ंग होम नाउ फॉर इट इज गेटिंग क्वाइट डार्क फॉर को ना बिकॉज की तरह से भी यूज किया जाता है एज कंजंक्शन ठीक है मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ तुम्हें भी नहीं करना चाहिए जैसे बट को मैं बोलता हूँ ही इज अ गुड स्टूडेंट बट ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर्स अच्छा स्टूडेंट है लेकिन टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता तो दोनों जब पार्ट को आपने बराबर इंपॉर्टेंस देनी होती है ना तब हम इन सात कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं जिनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन्स हेलो जूलिया आई यस आई एम गुड हाउ आर यू हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग थैंक यू इमरान थैंक यू सो मच यार लाइक like तो ठोक ही दो यार लाइक like के बिना तो यार कहाँ मतलब है वैसे है ना लाइक तो करना बनता है यार सही में मैं वो तो नहीं बोल रहा आपको कि पाँच हज़ार लौंडा लेके आओ नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे लेकिन यार जो देख रहा है वो तो लाइक कर ही सकते हैं चलो गई दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं जो है सबॉर्डिनेटिंग अब सबॉर्डिनेट कौन होता है जो नीचे काम करता है ठीक है तो कॉर्डिनेटिंग जो दो सेंटेंसेस को बराबरी में ले आता है सबॉर्डिनेटिंग जो एक छोटे पार्ट को बड़े सेंटेंस से जोड़ता है अब सबॉर्डिनेटिंग कैसे कैसे होते हैं गैस एज वेल एज ठीक है जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया इज डेलपिंग फास्ट एज वेल एज इट्स नेबरिंग कंट्रीज तो छोटे पार्ट को जोड़ दिया उसके साथ तो जो नीचे छोटे पार्ट को बड़े पार्ट से जोड़ता है उन कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे अलॉन्ग विदाइड के साथ साथ के अलावा ठीक है तो ये होते हैं आपके सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन राइट ये हो गया आपके सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सर uh, हाँ मोस्टली तो बिकॉज यूज़ होता है सुकन्या लेकिन अब वो चीज़ अब पेपर में तो नहीं बोल सकते उसको कि क्वेश्चन में तूने फॉर क्यों लिख के दिया इसको बिकॉज लिख के दे तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी ऐसा तो नहीं बोल सकते हमें तो हर चीज़ को समझ के जाना कि अगर हमारे सामने वो सिचुएशन वो थ्रो कर देता है तो हमें उसमें गलती नहीं करनी है बिफोर और आफ्टर ये वैसे प्रपोजिशन होते हैं मंजू लेकिन जब हम इनको यू नो टेंस में जैसे हमने किया था तब ये कंजंक्शन का, का काम कर देते हैं

अब ये वो होते हैं गाइज़ जो हमेशा एक पैर में काम करते हैं जोड़े में रहते हैं को रहते हैं जैसे आइदर के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं और नीदर के साथ क्या यूज़ करते हैं नॉर ठीक है ऐसे ही देखना गाइस नॉट ओनली के साथ क्या यूज़ होता है फटाफट बताओ मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख के बताओ आइदर के साथ और होता है नीदर के साथ नॉर होता है नॉट ओनली के साथ क्या होता है गाइस वेरी वेल डन ऋषिकेश नॉट ओनली के साथ क्या यूज किया जाता है yes, सभी बताओ। देविका, नॉट ओनली के साथ क्या यूज किया जाता है गाइस, बट आल्सो ठीक है नॉट ओनली इज ही इज ही द ओपनर बट आल्सो द कैप्टन ऑफ द टीम ना ही सिर्फ वो ओपनर है बल्कि वो टीम का कैप्टन भी है नॉट ओनली कंट्री बट ऑल्सो डेमोक्रेटिक वन इंडिया सिर्फ एक सेक्युलर कंट्री नहीं है डेमोक्रेटिक भी है तो नॉट ओनली के साथ क्या यूज किया, well so, किया जाता है गाइज बट ऑल्सो वेरी वेल डन गुड जॉब तो ये तीन कैटेगरीज में कंजेंशन को डिवाइड किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और को कोई पेपर में कुछ नहीं पूछेगा लेकिन इस पर आपको ठीक है अब इसमें जो चीज सीखने वाली है गाइज कुछ गलतियां हो जाती हैं जो बच्चे कर जाते हैं ये अंकिता बट ऑल्सो यस बट ऑल्सो यूज होता है अंकिता पाल अराउंडर अराउंडर क्या होता है uh, नहीं नॉट ओनली के साथ एज वेल एज यूज नहीं एज वेल यूज नहीं कर सकते अंकिता नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट ऑल्सो यूज होता है नो अंकिता करेक्ट ठीक है चलो गाइज तो अब हमें जो सीखना है कंजक्शन्स में वो है इसके रूल्स जो स्पेसिफिक रूल्स काम करते हैं ठीक है वो रूल्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में अगर कहीं को, को, कोई गलती बन जाती है तो जैसे हाँ जी गाइज फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ यहाँ पे क्या आना चाहिए देखना मैं बोलता हूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग

क्या आना चाहिए गाइस फटाफट से बता दो ऋषिकेश कह रहे है, हैं हंस दीपा हंस कह रही है सतेंद्र देर फॉर कह रहे हैं ओके okay. सभी को आंसर करना है यार रिसेप्टिव सेशन बनाओ बोर नहीं होना है यहाँ पे ठीक है कीर्तन में नहीं आए हो जागरण में ठीक है कि मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहो बस पार्टिसिपेट भी करना है हमें सो कह रहा है अभिषेक सो कह रहे है, हैं अजहर हंस कह रहे हैं अक्षिता सो स्वागतिका सो वेरी गुड देविका गईस आपने जो भी आंसर किया है बट देयर फोर हेंस सो याद रखना गईस यहाँ पर तीनों के तीनों गलत है लेकिन हमने शायद यहाँ पे अपनी जिंदगी में हमने तो सो लगाया होगा या हेंस लगाया होगा लेकिन ये गलत है गाइस देखना जब मैं सेंटेंस को एक्चुअल वे में लिखता हूँ देखना आई केम लेट जब मैं पीछे वाला पार्ट आगे ले आता हूँ आई केम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग मैं देर से पहुंचा क्योंकि बारिश हो रही थी राइट right? गाइस तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं देर से पहुंचा क्योंकि बारिश हो रही थी अब यहाँ पे तो सिर्फ मैंने क्या लगाया बिकॉज लगाया ना तो एक तो ये पार्ट था आई केम लेट

सो ही कैन टेक दिस डिसीजन गलत बिकॉज ही इज द कैप्टन ही कैन टेक दिस डिसीजन अभी ट्रिक क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं ऋषिकेश अगर आपको समझ आ रही है थी चीज तो आपको ये रूल्स अब समझ आने चाहिए कि रूल्स क्या हैं इसके ठीक है इस तो सब तैयार हो रूल्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स करने वाले हम ठीक है और बड़ा मजा आने वाला है आज के सेशन में यू तो रेडी शुरू करें हाँ जी गई तो अब ऐसे ऐसे खतरनाक रूल्स आपको बताऊंगा जो तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने पड़ेंगे ठीक है तो नोटबुक पेन निकाल लो और लिखने के लिए तैयार हो जाओ यस गईस तो आर यू रेडी शुरू करें सबकी सबकी कट गई इंक्लूडिंग <laughs> मैंने भी दिया है राइट आंसर पूर्व आपने भी दिया है? अरे वेरी गुड यार मैंने देखा नहीं पूर्वा ने क्या आंसर दिया सिंपली आई केम ले अरे वेरी गुड uh, पूर्वा ने भी ठीक आंसर दिया यार चलिए शुरू करते हैं पिटारा खोलते हैं दुकान खोलते हैं ठीक है चलो गाइज लेट्स बिगिन विद सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शंस रूल नंबर वन गाइज स्केर्सली या हार्डली ठीक है गाइज तो अब उसने रूल क्या दिया अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको स्केयर्सली या हार्डली मिल जाता है इसके साथ क्या यूज किया जाता है देखना तो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं और वो गलतियां कैसे बनवाएगा वो भी समझाऊंगा हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस वेन या देन द बॉस कॉल्ड मी बैक अब इसकी हिंदी समझना गाइस क्या मतलब है कि अभी मैं बस ऑफिस से निकला ही था हार्डली का मतलब क्या होता है बड़ी मुश्किल से तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस अभी बस मैं ऑफिस से निकला ही था कि तभी बॉस ने मुझे वापस बुला लिया यस yes, गाइस क्या लग रहा है क्या आना चाहिए वैन आना चाहिए डैन टी एच ए एन वाला आना चाहिए या एक और ऑप्शन दे देता हूँ टी एच ई एन वाला आना चाहिए So hardly had I left the office when the boss called me back, then the boss called me back, yeah, then the boss called me back. Very good Rishikeshnevay answered T H E N Valana Chiya. Yes guys, kya quickly. एक और सेंटेंस लिखा है गाइस पढ़ना इसको स्केर्सली हैड आई स्टेप्ड आउटसाइड मतलब अभी बस मैं बाहर मैंने कदम रखा ही था वेन इट स्टार्टेड ट्रेनिंग दैन इट स्टार्टेड रेनिंग या देन टी एच ई एन अब ये रूल पढ़ लिया इसलिए बोल रहे हो सारे ना शाने लोग तो गाइस हार्डली और स्केर्सली का मतलब क्या होता है अभी ऐसा कुछ हुआ ही था ठीक है जैसे बोलते तो अभी बस मेरी आंख लगी ही थी अभी मैं सोया ही था कि तभी किसी का फोन आ गया बोलते हैं अभी इनको सेंटेंसेस को ऐसे बनाया जाता है हार्डली हैड हार्डली हैड स्लेप्ड व्हेन समबडी कॉल्ड मी समबडी रैंग अप ऑन माय फोन तो गाइस हार्डली <coughs> और स्केर्सली के साथ याद रखना सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया जाता है वेन ठीक है बट इसका काउंटर रूल बताता हूँ गाइस वो सुनना अब <clears throat> अब बताना गाइस क्या आना चाहिए नो सूनर हैड आय सेम सेंटेंस लिख रहा हूं फर्स्ट वाले की तरह नो सूनर हैड आई लेफ्ट द ऑफिस अब बताओ गाइस क्या आना चाहिए वेन टी एच ई एन वाला देन टी एच ए एन वाला देन व्हेन द बॉस कॉल्ड मी बैक हाँजी गईस नो सुनर का मतलब भी क्या होता है जैसे ही कि अभी जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला तभी बॉस ने मुझे वापस बुला लिया या नो सुनर अभी बाहर मैंने बस कदम रखा ही था कि तभी क्या हुआ इट स्टार्टेड रेनिंग अब यहाँ पे वो गलतियां कराता है एग्जाम में अगर कराता है तो टी एच ई एन वाला लग रहा है नरेंद्र कह रहे हैं ए एन वाला अब गायस यही याद रखना है हार्डली स्केर्सली के साथ वेन यूज होता है लेकिन नो सूनर सूनर कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की सून सूनर सुनेस्ट किया है ना पिछले चैप्टर में हमने एडजेक्टिव सूनर कंपेरिटिव डिग्री है और हमने क्या देखा था कंपेरिजन में हमेशा क्या यूज होता है टी एच ए एन वाला दैन टी एच ई एन वाला नहीं टी एच ए एन वाला ये याद रखना है ठीक है तो hardly scarcely के साथ क्या यूज होता है when और no sooner के साथ क्या यूज होता है गाइस then a, e n वाला नहीं an वाला ठीक है तो वैसे ऐसे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो रूल नंबर 1 देखते हैं गाइस scarcely और hardly is followed by when ठीक है जैसे उसने एग्जांपल दिया scarcely had i entered the room when i heard a shriek तो अभी मैंने रूम में कदम रखा ही था कि तभी मैंने एक चीख सुनी या हार्डली हेड आई स्लेप्ट व्हेन द टेलीफोन बेल रहेंगे अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि अभी बस मैं सोया ही था कि तभी फोन की घंटी बज उठी तो हार्डली और स्केयर्सली के साथ क्या यूज किया जाता है वैन ठीक है लेकिन अब देखो रूल नंबर थ्री देखना यही मैं आपको बता रहा था वो पेपर में क्या करेगा नो no सूनर के साथ वैन लगा के दे देगा और हार्डली बेरली स्के हार्डली बेयरली हार्डली और स्केर्सली के साथ डैन लगा के दे, दे देगा यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं अंकिता क्योंकि इनका इनका जो पहला वर्ड है ना वो नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है और इसीलिए इन्वर्जन रूल भी लग रहा है अंकिता इसमें अगर आप देख रहे हो तो इन्वर्जन रूल क्या होता है पता है जब सेंटेंस की शुरुआत में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो हम पहले सब्जेक्ट को नहीं रखते हम इन्वर्जन रूल लगाते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं लेकिन नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं आई हैड एंटर्ड द रूम वेन आई हर्ड समथिंग लेकिन स्केयर्सली या हार्डली या नो नो नेगेटिव वर्ड है ठीक है तो नेगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ठीक है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट बाद में चला जाता है ठीक है तो इसी को क्या बोलते हैं इन्वर्जन रूल गुड इवनिंग राहुल यस हमारे टेलीग्राम चैनल पे है इसका पी डी एफ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो वहाँ मिल जाएगा आपको तो रूल नंबर वन और रूल नंबर थ्री क्लियर हो गए सबको नेगेटिव सेंटेंस है अंकिता ये करेक्ट देन कंपैरिजन में यूज होता है और देन टी एच ई एन वाला होता है तरुण वो होता है तब जैसे मैं बोलता हूँ आई व्हेन आई रीच्ड होम देन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग जब मैं घर पहुंचा तब हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया वो देन होता है तब पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए व्हेन so, ही एक्सप्लेन एवरी थिंग टू मी देन आई अंडरस्टूड देशन जब उसने मुझे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी तब मुझे समझ आया कि क्या सिचुएशन है ठीक है जनरल कॉन्वर्सेशन में बताता रहा हूँ जैसे ही आप yeah, जैसे ही सेंटेंस कोई बनाओ जैसे ही मैं घर से निकला बारिश शुरू हो गई तब इस सेंटेंस को नॉर्मली आप कॉन्वर्सेशन में कैसे बनाते हो एज सुन एज आई लेफ्ट माई होम इट स्टार्टेड रेनिंग यही बोलते हैं ना एज सुन ये गलत होता है यहाँ पे as soon as नहीं यहाँ पे क्या यूज किया जाता है या तो हार्डली या नो सूनर या no ठीक है दो और ऑल दो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको दो या ऑल दो मिल जाते हैं तो याद रखना इसका जो पैर बनता है वो किसके साथ बनता है येट के साथ ठीक है वो पेपर में गलतियां कैसे कराता है वो एग्जाम्पल देखना है एक बार गायूज ऑल दो ही इज पुअर हांजी बट ही नेवर बेग्स या येट ही नेवर बेग्स या बेशक के वो गरीब हो लेकिन वो कभी चोरी नहीं करता अगर यहां पर वो येट की जगह बट लगा देता नाइस तो शायद आपको गलती ना नजर आती ऑल्दो ही इज पुअर बट ही नेवर स्टील्स वैसे वो गलतियां एग्जाम में बनवाएगा यहाँ पे बट नहीं क्या आना चाहिए ये इनवर्जन रूल आपके पेपर में नहीं आएगा शशिकांत तो डोंट वरी आपके पेपर का काम का नहीं है ये लेकिन इन जनरल थोड़ी हाई लेवल इंग्लिश में जब पेपर आते हैं ना उनमें आता है ये वाला रूल ठीक है जैसे मैं बोलता हूँ दो शी इज रिच हालांकि वो अमीर है जी बट शी इज अजर हालांकि वो अमीर है लेकिन वो फिर भी क्या है कंजूस है अब गलती क्या है इसमें बट नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए ये दो शी इज अर ठीक है अब दो और ऑल दो का मतलब सेम होता है ठीक है याद रखना है बस फर्क क्या है ऑल दो सेंटेंस की सिर्फ शुरुआत में लगता है अगर सेंटेंस के बीच में कभी लगाना है तो सिर्फ क्या लगता है दो लगता है तो दो wh o u g h वाला वो सेंटेंस की शुरुआत में और बीच में दोनों जगह लग जाता है लेकिन ஆல்दो सिर्फ शुरुआत में लगता है राइट सो ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज अ माइजर माइजर क्या होता है कंजूस ओके वेरी वेल डन गाइस तो हमने तीन रूल्स किए अभी तक स्कर्सली हार्डली के साथ व्हेन लिख लेना है साथ-साथ में ठीक है दो ऑल्दो के साथ येट और नो सूनर के साथ क्या यूज होता है देन यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का टेस्ट सीरीज परचेज करना पड़ेगा क्या मुझे क्या पता मधु करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा अगर आपको जरूरत लगे तो करो नहीं लगे तो मत करो यार तो हिंदी में मीनिंग फिर से ऐसे लेंगे क्या फिर भी हाँ फिर भी प्रॉपर हिंदी बताऊँ अंकिता तो अब वो देखना इसमें होता है हालांकि या प्रॉपर बिल्कुल साहित्य वाली हिंदी में चले जाओ तो होता है यद्यपि ठीक है यद्यपि हिंदी में बोलते थे ना बट वो अब याद नहीं होगा आपको ना, तो हालांकि वो अमीर है फिर भी एक होता, है लेकिन, लेकिन होता है बट लेकिन फिर भी होता है उसके बावजूद भी हालांकि वो गरीब है या हालांकि वो अमीर है लेकिन वो फिर भी कंजूस है हालांकि वो गरीब है फिर भी वो किसी से भीख नहीं मांगता के? वो पुअर है फिर भी हाँ वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट अंकिता मुझे क्या पता है ऐश्वर्य यार मैं महाराष्ट्र थोड़ी रहता हूँ गूगल कर लो यार ऐसी ऐसी चीजें तो यद्यपि याद है <laughs> सत्येंद्र अरे भाई मैं इंग्लिश का टीचर जरूर हूँ लेकिन मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी ऐसी आती है दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट यू लर्न अलॉट वेन यू हैव गुड स्टूडेंट्स अराउंड यू चलो गाइज रूल नंबर फोर पे चलते हैं अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था नॉट ओनली के साथ क्या यूज किया जाता है गाइज बट ऑल्सो ठीक है नॉट ओनली का मतलब क्या होता है ना ही सिर्फ तो नॉट ओनली डिड ही हर बट ऑल्सो ड्रॉप हर होम सेफली ठीक है अब देखना ये भी वही है कि ना ही सिर्फ उसने उसकी मदद की लेकिन उसको घर सुरक्षित छोड़ा भी तो ना ही सिर्फ उसने ये किया बस उसने ये भी किया ये भी बोलने के लिए हम यूज करते हैं बट ऑल्सो जैसे मैं बोल रहा था नॉट ओनली इज इंडिया अ सेकुलर कंट्री बट ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल So, not only is India a uh, secular country, but also a democratic one. Not only uh, is he the CEO of the company, but also the director as well. So, not only के साथ क्या use किया जाता है, guys हमेशा, but also, ठीक है? चलो guys, question number rule number five पे चलता है. अब एक word, ये सुना है word आपने, guys, lest. चलो आपको एग्जाम्पल देता हूं उससे अच्छा समझ आएगा और याद भी रहेगा वर्क हार्ड लेस्ट अब लीस्ट नहीं है, लीस्ट, -E वाला ली, लीस्ट होता है ये, यह ले एस टी हाँ -E जी गाइज मैं आपको ऑप्शन देके पूछता हूं बताना क्या आना चाहिए सेंटेंस कुछ ऐसे देखना गाइस वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल यू माइट फेल यू कुड फेल या मेहनत करो अब लेस्ट का मतलब क्या होता है पता है नहीं तो, तो मेरी हिंदी इतनी खराब है मुझे लिखना भी नहीं आएगा अभी जी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको नहीं तो ठीक है तो मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे क्या आना चाहिएगा इस यहाँ पर हेल्पड कौन से में कौन से क्वेश्चन में हेल्प नहीं आएगा अरे डिड जब डू का डिड कर दिया फिर हेल्प क्यों आएगा यार तरुण जब डू को हमने पास्ट में डिड कर दिया फिर हेल्प का हेल्प थोड़ी करेंगे डू do, डज के साथ डू do, डज और डिड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मगर मॉर्निंग क्लास भी रहता है आपका नहीं मॉर्निंग में नहीं रहता मधु मेरा रात को ही रहता है यार अभी देख लिया शाने लोग ना बहुत तेज हो तुम लोग यार अगर अपनी चॉइस से करते ना पता नहीं मैं करते या करते या माइट करते कुड करते लेकिन एक चीज याद रखनी है के लेस्ट अगर कभी वर्ड आ जाता है तो उसके साथ याद रखना गाई उसका पेयर सिर्फ किसके साथ बनता है शुड के साथ अब शुड का वैसे मतलब क्या होता है चाहिए अब मतलब देखना अजीब सा निकलता है मेहनत करो नहीं तो तुम्हें फेल हो जाना चाहिए बोला तो ये कैसा सेंटेंस है सर से लेकिन ये इंग्लिश का एक रूल है थम रूल कि लेस्ट वर्ड के साथ सिर्फ पैर किसका होता है ठीक है शुड क्या साथ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल ये याद रखना है आपने तो so, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो लेस्ट इज़ नेगेटिव एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट ये तो हमें पता ही है कि नॉट के, के मतलब एक नेगेटिव वर्ड के बाद हम दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते इट इट इज़ फॉलोड बाय शुड जैसे वर्क हार्ड ले यही एग्जाम्पल दिया हुआ था यार मैंने भी यही दे दिया है तो बहुत आसान हो गए तो कि मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारे फेल होने की संभावना है। मतलब शुड जैसे विल की क्या होती है वुड मे की माइट कैन की कुड ऐसे शैल की शुड ठीक है तो ये शुड जो है यहाँ शैल की पास्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहे हैं जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शैल फेल शैल फेल ठीक लगता पास्ट में है तो हम थोड़ी कंडीशनल सेंटेंस बना एब्सोल्युटली तो नहीं, नहीं, मतलब तो, तभी तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली भी समझना पड़ता है हमें ठीक है कहीं ऐसा ना हो मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फेल हो जाना चाहिए नहीं मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे वर्क हार्ड लेस्ट यू Uh, या वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस ठीक है तो लेस्ट का मतलब क्या होता है नहीं तो या वरना जो हम बोलते हैं ठीक है गुड इवनिंग श्रद्धा लेट हो गए आज तो लेस्ट के साथ लिख लेना गाइज क्या रूल लगता है अपना क्या वर्ड लगता है शुड और गाइज हम ये चीज आपको पता होनी चाहिए एक सेंटेंस में एक क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज हो सकते ये तो सबको पता है ना चलो तो ये वाला आपको बता देता हूँ uh, जैसे मैं बोलता हूँ आए डोंट नो नथिंग अबाउट हिम गलती गया है इस इसमें बता सकते हो एग्जाम्पल बना लो नरेंद्र जैसे बोलता हूँ मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे चलो नहीं तो बस जाएगी। लेस्ट uh, अपने बड़ों की सुनो नहीं तो बड़े हो गए नहीं तो आगे चल के पछताओगे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स लेस्ट यू यू शैल बी नहीं यू शुड बी फाइंड और यू शुड बी कॉट बाय द पुलिस सो ऐसे बनाया जाता है नहीं हो सकता ना तो आई डोंट नॉट भी आ गया और फिर नथिंग भी आ गया तो क्या आना चाहिए आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम तो रूल क्या है गाई दो नेगेटिव वर्ड्स कभी इकट्ठा एक सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते सो so, नेगेटिव वर्ड प्लस नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं हो सकता ये याद रखना है आपको एक क्लॉज में नहीं यूज़ किया जा सकता हार्डली मतलब क्या होता है ना के बराबर कुछ भी नहीं और नेवर भी क्या होता है कभी भी नहीं या तो क्या होना चाहिए था आई हार्डली गो टू सच प्लेसेस या क्या होना चाहिए था दो नेगेटिव इकट्ठा यूज नहीं किए जा सकते okay? या तो आई नो नथिंग अबाउट हिम बिल्कुल ठीक है अंकिता या आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम ठीक है वेरी वेल डन तो लेस्ट के साथ नॉट यूज नहीं होता क्योंकि वो खुद भी एक नेगेटिव वर्ड है अब बच्चे पूछते सर कौन सा कौन सा नेगेटिव वर्ड है चलो नेगेटिव वर्ड लिखवा अभी देता हूं आपको सारे ठीक है वो भी देख लेना नो नॉट नेवर नॉर वन नो बडी नथिंग हार्डली पेयरली रेरली स्केर्सली सेल्डम लेस्ट अंटिल और अनलेस ये वर्ड याद रखने का इस इनके साथ कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड उस सेंटेंस में नहीं होना चाहिए हाँ नेवर प्ले प्लेस पर एवर आ सकता है देविका आई आई हार्डली एवर गो टू बिल्कुल यस आई हार्डली एवर गो टू सच प्लेसेस या आई नेवर गो टू सच प्लेसेस या आई हार्डली गो टू सच प्लेसेस लेकिन हार्डली और नेवर इकट्ठा नहीं हो सकता सो हेल्पफुल सेशन सर सीरियसली टेलिंग सर सीरियसली बता रहे हो सत्येंद्र मजाक तो नहीं कर रहे पक्की बात है ना देखो थोड़ा सा भी मजाक हुआ तो धूंगा मैं तुम्हें मैं आगे बता रहा हूँ सच बताओ बिल्कुल सीरियस बता रहे हो एक बिल्कुल बिल्कुल सीरियस बात है हेलो सुनील वेलकम यार मजाक कर रहा हूँ गॉट इट गाइस नहीं राज मिश्रा नो वन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और नन इज बेसिकली यूज फॉर फॉर मोर देन वन ठीक है नो वन इज़ यूज फॉर सिंगुलर नन यूज होता है एक से ज़्यादा के लिए मतलब दो से ज़्यादा के लिए दो के लिए नीदर होता है दो से ज़्यादा के लिए नन होता है नो वन ऑफ़ द स्टूडेंट्स नहीं नन ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है नो वन ऑफ द प्लेयर्स नो वन सिंगुलर नॉन प्लूरल बनाने के लिए सेल्डम का मीनिंग होता है ना के बराबर अंकिता आई सेल्डम टॉक टू माई फ्रेंड्स दीज डेज सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर कि मैं आजकल अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता ही सेल्डम टॉक्स टू मी ही सेल्डम फिनिशेज हिज वर्क ऑन टाइम ठीक है वो कभी नहीं करता बियरली का मतलब ये होता है बड़ी मुश्किल से या ना के बराबर ठीक है वी बियरली रीच्ड ऑन टाइम कि बड़ी मुश्किल से टाइम पर पहुंचे हम नीदर और नॉर्थ दो अलग अलग क्लॉज होते हैं आकाश ठीक yeah. है uh, जैसे आई हैव नीदर विजिटेड गोवा नॉर विजिटेड क्या बोलते हैं केरला तो आई हैव नीदर विजिटेड गोवा नॉर विजिटेड केरला ये नॉर विजिटेड केरला ये अलग क्लॉज है ये उस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है पेड़ में नहीं पढ़ाते सर ऐसा कौन नहीं पढ़ाते पेड़ में ऐसा इसकी बातें कर रहे हो ये क्या लिख दिया शिवम आपका नाम भी ले लेते हैं सुनील चौहान क्या नाम लिया जाए भाई सुनील चौहान के नाम पे तीन नारे लगने चाहिए प्रैक्टिस करो ऑनलाइन करो बुक से करो अभिषेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो आ, नहीं कर मैं तो करता हूँ एग्जांपल दे रहा था यार सेल्डम बेसिकली रेपिटेशन के लिए यूज़ होता है और बेरली होता है uh, थोड़ा सा बड़ी मामूली सा जैसे हम बोलते हैं ना ठीक है जैसे मैं बोलता हूँ देर इज बेरली एनीथिंग लेफ्ट इन द इन द किचन कि भाई मामूली सा कुछ भी नहीं बचा है सेल्डम होता है रेपिटेशन uh, के लिए ठीक ऐसा कभी नहीं होता आई सेल्डम विजिट माई विलेज मतलब मैं रिपीट नहीं करता ये एक्शन ठीक है जो आई सेल्डम विजिट माई विलेज मतलब मैं अपने गाँव नहीं जाता ठीक है आई सेल्डम टॉक टू माई फ्रेंड्स दीज डेज के इन दिनों मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता या नहीं करता ठीक है ऐसा इतना अच्छा पेड़ में भी नहीं पढ़ाते दिपेंद्र अपना अकाउंट नंबर भेजू मैं तुम्हें तो मुझे फिर ना सब ऐसे करो ग्यारह ग्यारह रुपये शगुन में दे दो ठीक है तो मस्त हो जाएगा काम मेरा भी <laughs> नहीं यार मजाक कर रहा हूँ सेल्डम उल्टा लिख रहे हो नवनीत बाकिंग डॉग सेल्डम बाइट एस लगेगा इसमें किस में नहीं नहीं इसमें डॉग्स है ना डॉग्स प्लुरल है नवनीत प्लूरल में एस थोड़े लगता है सिंगुलर में एस लगता है और ये ऐसे सेंगे बाकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट के जो भोंकते हैं वो काटते नहीं है जो हिंदी में कहा गरजते नहीं है वो बरसते हैं ठीक है यस यू बेरली यूज बेरली एब्सोल्युटली करेक्ट गुड इवनिंग डीएसबी आ गए कौन पूछ रहा था डीएसबी को चलो गाइस रूल नंबर सिक्स पे चलते हैं बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज अब ये गलती बहुत बार हो जाती है एग्जाम्स में जैसे देखना गाई इस अरे में एग्जाम्पल देता हूं बोथ इंडिया एज वेल एज चाइना आर डेवलपिंग वाइट फास्ट क्या गलती है गई इसमें दोनों इंडिया और और के साथ साथ चाइना भी बड़ी जल्दी तरक्की कर रहे हैं अरे हाँ याद है मुझे पिछले सेशन में भेज दिए यार, कसम से यार जिसने भेजे थे ना मैं दो वो खा गया मंच खा गया उनकी <laughs> नहीं नहीं यार पैसे तो यार पढ़ाई के लिए क्या पैसा यार यार ये तो सरस्वती है एक चीज जो मानने की है कि Uh, सिर्फ ज्ञान ही ऐसी चीज है जो जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ता है तो मैं तो इसी उसूल पे काम करता हूँ बहुत गलती है किधर बहुत गलती है इसी केस यहाँ बहुत गलती है तो गैस, ए, देखो हमने क्या सीखा था हमने देखा था कि दो सब्जेक्ट्स को वन प्लस वन करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है गाइस याद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक शर्क लगी थी अपनी आपने कहा था हम याद रखेंगे सर वन प्लस वन करके टू करने की एबिलिटी इसके पास है सिर्फ एंड के पास और बोथ का मतलब क्या होता गाई? दोनों जब दोनों की बात हो रही है ना याद रखने का साथ और कोई भी कंजक्शन यूज नहीं किया जा सकता सिवाय इसके एंड के ठीक है बोथ इंडिया एंड चाइना आर डेवलपिंग पास यहाँ पे एज वेल एज की जगह और कुछ भी नहीं आ मतलब एंड की जगह और कुछ भी नहीं आ सकता ना ही आ सकता बोथ इंडिया अलॉन्ग विध चाइना

सिनोनिम्स कहाँ से पढ़े प्रीवियस ईयर से शुरू करो सबसे पहले दीपक जो भी आपके एस में या एस एस सी में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ना वही लेवल इसमें आता है सी नहीं सी ठीक है तो उसके सिनोनिम्स पढ़ना शुरू करो तो वहाँ से आप बड़े अच्छे से यू नो आपको रेलिवेंट कुछ मिल जाएंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर करो फिर सी एच एस एल के प्रीवियस ईयर कर लो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ ठीक है वेरी वेल डन गाइस चलो आगे रूल पे चलते हैं रूल नंबर सेवन ठीक है एग्जाम्पल से पूछता हूं गाइस छोड़ो पहले पहला क्वेश्चन है आई हैव नो अदर चॉइस बट टू गो अब्रॉड दैन टू गो अब्रॉड दूसरा क्वेश्चन है आई हैव नो वन एल्स टू सपोर्ट मी बट देन यू एफकेट का एग्जाम है शिवम का कोई टिप दे दू तो यार टिप बी एफकेट का एग्जाम है यार एक बुक आती है शिवम उसकी अरिहंत की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एफ कैट के जो पेपर हुए ना वो कर जाओ मैं गारंटी लेता हूँ एट्टी परसेंट क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं उस उस पेपर में और क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कराता था पहले बच्चों को तो मुझे बहुत अच्छे से याद है एफ कैट में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक पर्टिकुलर बुक है अरिहंत की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें एफ कैट के वो कर जाओ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे ये गारंटी देता हूँ आपको अगर टिप चाहिए तो यही टिप है यार येस yes, गाइज तो अब याद रखना गाइस देखो बहुत सिमिलर मीनिंग आ जाता है हिंदी में पढ़ के देखो इन सेंटेंसेस को आई हैव नो अदर चॉइस ठीक है मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय अब्रॉड चले जाने के और आई हैव नो वन एल्स टू सपोर्ट मी मतलब और कोई नहीं है मेरी सपोर्ट करने को सिवाय तुम्हारे अब फर्क याद रखना का अदर के साथ ठीक है याद कैसे रखना है अदर टी एच अदर में टी एच आ रहा है तो अदर के साथ याद रखना का हमेशा क्या यूज किया जाता है दैन ठीक है एन वाला एन e वाला नहीं एन वाला तो I have no other choice than to go abroad और अगर एल्स आ जाता है ना तो याद रखना गाइस अब एल्स के साथ हम दैन नहीं क्या यूज़ करते हैं बट ठीक है एब्सोल्युटली नरेंद्र वही मैं बता रहा था उनको आईबी कहाँ से आएगा आईबी Uh, देखो यार uh, ये पेपर थोड़ा सा अलग है कुछ काफ़ी सालों बाद हो रहा है मुकेश तो एस एस सी का जो लेवल है ना वो लेवल का पेपर आता है तो प्रीवियस ईयर एक बार उनका पैटर्न पढ़ लो और सी के लेवल के क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर लो मुकेश ठीक है वहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी आपको वैसे तो याद रखना है अदर के साथ क्या यूज़ होता है दैन और एल्स के साथ क्या यूज होता है बट अब रूल पे आते हैं देखना तो अदर इज फॉलोड बाय दैन जैसे ही हैज नो अदर क्लेम वट इज वेल्थ या दैन हिज वेल्थ उसके अलावा उसके पास और कोई क्लेम नहीं है सिवाय उसके पैसे के तो so, अदर के साथ याद रखने का इस क्या यूज होता है दैन ठीक है आई हैव नो अदर आई हैव नो अदर ऑप्शन लीव द रूम ठीक है आई हैड नो अदर चॉइस आई हैड नो अदर पर्सन विद मी देन माई ब्रदर आई हैड नो अदर पर्सन विद मी दैन माई ब्रदर मेरे साथ और कोई इंसान नहीं था सिवाय मेरे भाई के लेकिन अगला रूल क्या बता रहे नो वन एल्स विल लुक आफ्टर हिम बट यू कोई उसकी देख रेख नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे पी डी एफ मैं कहाँ से लाऊँ उसका शिवम मतलब यार तुम तो उंगली पकड़ गए ना वो तो कहावत सुनी ना कंधे पे बैठ के क्या करने लग जाता है वही कर रहे हो तुम लोग मैं कहाँ से पीडीएफ लाऊ यार एक बात बताओ मैं थोड़ी हैकिंग करता हूँ हैकर थोड़ी हूँ मैं ये बुक का पीडीएफ डी बना के बेच रहा हूँ मैं बच्चों को यार देख लो अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो मेरे पास तो कोई पीडीएफ नहीं है मैं तो बुक बता दी अब आपकी चॉइस है वो आपको कहाँ मिलेगा ठीक है चलो रूल नंबर चलते हैं द वर्ड रीजन इज नॉट फॉलोड बाई दैट गाइज याद रखना अब इसके चलो आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ गलती देखना गाइज द रीजन वी केम लेट was because it was raining के हमारे लेट आने की वजह थी कि क्या बारिश हो रही थी हाँ मैं एग्जाम ही दे आता हूँ यार सही बात है <laughs> कसम से यार क्या ही बोल देते यार चलो क्वेश्चन देखो एक द रीजन वी केम लेट वॉज बिकॉज इट वॉज रेनिंग हमारे लेट आने का कारण था कि क्योंकि बारिश हो रही थी इसमें गलती क्या है इस यस yes. अब देखना अगर ये पहले वाला पार्ट ना होता ना रीजन तक ना होता तो हम बिल्कुल ठीक था सेंटेंस वी केम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग लेकिन रीजन का मतलब ही क्या होता है वजह बताना कारण तो जब आपने रीजन बोल ही दिया है रीजन बता ही दिया है तो और बिकॉज का पर्पज़ भी क्या होता है रीजन बताना तो ये सुपर फ्लूस हो जाता है तो रीजन अगर कभी किसी सेंटेंस में आ रहा है तो उसके साथ कभी भी बिकॉज यूज नहीं करते क्या यूज किया जाता है गाइस दैट The reason we came late was that it was raining. <laughs> <laughs> so the word reason is not followed by because but by that. Just the reason why he didn't go was because his mother was ill. Yeah, the reason why he didn't go was that his mother was ill. उसके ना जाने का कारण था कि उसकी माँ बीमार थी अब ये नहीं बोलेंगे कि उसके ना जाने का कारण था कि क्योंकि उसकी माँ बीमार थी तो रीजन वर्ड के साथ याद रखना का बिकॉज नहीं क्या यूज किया जाता है दैट अरे मजाक अरे यार तू मजाक में बुरा मान रहा है शिव। वो भी ऑनलाइन में ऑनलाइन में तो कोई हैवी नहीं तेरा मजाक देखने को मजाक नहीं उड़ा रहा मैं ठीक है मैं तो बोल रहा हूँ यार इतना कैसे मतलब पीडीएफ कहाँ से मैं शेयर कर दूँ किसी बुक के यार कम से कम वो चीज़ की रिक्वेस्ट करो क्यों यार अगर आप किसी बुक की पीडीएफ रखते हो जो आपने परचेज नहीं किया वो प्लेजरिज्म नहीं है क्या शिवम क्या वो हैकिंग नहीं है क्या बस बताना एक बार ग्रामर का एक चैप्टर और है सुनील अभी हाँ ई बुक डाउनलोड कर लो अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको चलो गाइस नंबर टेन पे चलता है और देखना कुछ वर्ड्स दिए उसने तो पहले इसका एग्जांपल देता हूँ हाँ जी गाइज बताना यहाँ पे क्या आना चाहिए आई ट्रीट हिम लाइक अ ब्रदर या एज अ ब्रदर एग्जांपल देख लो मैं आपके सामने अरे, क्या लिए?

मुझे पता नहीं है कि मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाता है क्योंकि मैंने एग्जैक्टली exactly पेपर दिया नहीं है मैं इंग्लिश के बारे में बता सकता हूँ आपको इंग्लिश के बारे में यू नो इंग्लिश के बारे में पूछ लो मैथमेटिक्स का मुझे आइडिया नहीं है यार आज जैसे तरुण ने बता दिया दोनों कर लो यार राइट right. ऑलराइट फर्स्ट में लाइक सेकंड में एज एज थर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा है याद रखना यहाँ तीनों में क्या आएगा आई ट्रीट हिम नॉट लाइक अ अ ब्रदर ब्रदर एज एज वी रिगार्डेड हर मेंटर शी इज नोन लाइक द आयरन लेडी नहीं एज द आयरन लेडी तो ये कुछ वर्ड्स याद रखो गाइज लिख लेना इनको रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट डिपिक्ट पोर्ट्रे और नो know, नोन वो भी लिख लो उसने दिया नहीं हुआ ट्रीट रिगार्ड डिस्क्राइब प्रेजेंट पोर्ट्रेड डिपिक्ट एंड नोन इन वर्ड्स के साथ जब हम किसी को एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं इसके बाद आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर महात्मा गांधी वॉज डिस्क्राइब और पोर्ट्रेड एज द महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी वॉज पोर्ट्रेड एज द महात्मा गांधी तो ये वर्ड्स याद रखना का इनके बाद जब आप कोई एग्जाम्पल देते हो तो उसके बाद हम लाइक like नहीं क्या यूज़ करते हैं एज यूज़ करते हैं आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर ही वॉज ट्रीटेड एज अ स्लेव अब यहाँ पे अगर उसने ये दिया होता ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ स्लेव ठीक है तो वो गलत हो जाता एप्सल हमें यही गलती हो जाती है वहां पे। नहीं नहीं शिवम पूरी फुल फ्लैश्ड बुक है यार प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक है जिसमें कम से कम पिछले दस सालों में बारह सालों में जितने भी पेपर हुए ना एफ कैट के वो सबको सॉल्व करके दिया हुआ है तो मैंने जो चीज़ नोटिस किया एफ कैट में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है प्रीवियस ईयर से तो सिनेम एंटनम और प्रीवियस ईयर के जी के क्वेश्चन जो स्टैटिक जी है या रीजनिंग के और मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो बड़े ही मतलब रिपीटेड से क्वेश्चन होते हैं तो वो बुक बहुत अच्छा सोर्स है मैं बस ये कह रहा था शिवम यार मेरे मैं पी डी नहीं रखता यार किसी चीज़ के मैं जो बनाता हूँ खुद बनाता हूँ यार तो आई डोंट फॉलो एनी बुक एज पर से बट इट इज अ गुड बुक इन जनरल ठीक है एंड आई आईपोलॉजाइज अगर बुरा लगा तो आपको शिवम यार आई डेंट मीन टू मतलब डिसरिस्पेक्ट यू और मेक फन ऑफ यू आई वॉज जस्ट किडिंग ठीक है मजाक कर रहा था थोड़ा मूड लाइट करने के लिए यार छोटी छोटी बातों पर टेंशन क्यों ले जाते हो यार यस yes, डिपिक्ट का मतलब uh, किसी चीज़ को डिपिक्ट करना दर्शाना ठीक है दिखाना अरे वाह अंकिता पाल डिक्शनरी uh, यूज़ किया करो यार स्टार्ट यूजिंग डिक्शनरीज रिगार्ड किसी को uh, किसी को रिगार्ड uh, करना मतलब तो किसी को वैसा समझना तो किसी को वैसी इंपॉर्टेंस देना वो होता है रिगार्ड करना वैसे तो वी आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर तो मैं उसको अपनी बहन की तरह मानता हूँ ठीक है डिस्क्राइब होता है किसी के बारे में व्याख्या करना तो द महाभारता इज डिस्क्राइब्ड एज एपिक ठीक है उसको एक एपिक की तरह उसका वर्णन किया जाता है डिफाइन डेफिनेशन देना किसी को डिफाइन करना ट्रीट किसी के साथ व्यवहार कैसा करना तो ही वाज ट्रीटेड एज अ स्लेव तो उसको गुलाम की तरह ट्रीट किया गया मेंशनड एज ठीक है जैसे मैं बोलता हूँ, देन हिज नेम इज मेंशनड एज द एज एज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम तो मेंशनड एज उसका जिक्र करना डिपिक्ट कोई चीज दर्शाना पोर्ट्रे कोई चीज दर्शाना फिर से पोर्ट्रे करना और नोन किसी को जानना ये होता है हिंदी का मतलब चलो गाइज रूल नंबर इलेवन पे चलते हैं अब ये तो आपको पता ही होगा आइदर के साथ क्या लगता है और और नीदर के साथ क्या लगता है हमेशा नॉर तो आइदर यू आर और ही इज टू ब्लेम ठीक है तो आइदर के साथ अगर कोई कंजंक्शन लग सकता है तो वो सिर्फ कौन सा होगा और नीदर के साथ अगर कोई कंजंक्शन लग सकता है तो वो सिर्फ कौन सा होगा नॉर जैसे नीदर रवि नॉर विपन वॉज सीन ठीक है और नीदर डिड आई रीड नॉट राइट ना तो मैंने लिखा और ना ही मैंने पढ़ा ये तो मैंने आपको बताया भी था शायद कि के, के साथ सिर्फ क्या यूज होता है और नीदर के साथ क्या यूज होता है नॉर और लास्ट रूल जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अनटिल एंड अनलेस शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट ठीक है तो इनके बाद नॉट यूज़ नहीं किया जा सकता बिकॉज ये खुद नेगेटिव वर्ड होते हैं तो अगर उसने यहाँ पे ये दिया होता वेट हेयर अनटिल आई

ठीक है ये बिल्कुल ठीक है लेकिन इसके बाद हम कभी नॉट नहीं लगा सकते ये याद रखना है जैसे मैं बोलता ही विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू डू नॉट अपोलोजाइज या अनलेस यू अपोलोजाइज क्या आना चाहिए ही विल नॉट टॉक टू यू वो तुमसे बात नहीं करेगा कब तक जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते तो ही विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू डू नॉट अपोलोजाइज या अनलेस यू अपोलोजाइज क्या आना चाहिए रिगार्डिंग को यहाँ वर्ब की तरह यूज कर रहे हो निकल मैंने बोला ना इसके बाद जब आप किसी एग्जाम्पल की बात करोगे ये भी पूरा रूल सुनो निकल क्या है जब इन वर्ड्स को यूज करके इसके बाद आप कोई एग्जाम्पल दोगे तब हम एज यूज करते हैं दिस मेल इज रिगार्डिंग माई प्रमोशन वो रिगार्डिंग तो वर्ब की तरह यूज हो गया ना लेकिन आई रिगार्ड हर कदर करना रिगार्डिंग होता है किसी से रिलेटेड रिगार्ड होता है कदर करना किसी की वो दोनों अलग अलग मतलब वाले वर्ड हैं Yes guys. So, email में रिगार्ड्स रिगार्ड्स का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट पे करना वो रिगार्ड्स नाउन की तरह यूज होता है अंकिता रिगार्ड्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट रिगार्ड का मतलब देखो एक बार डिक्शनरी में कितने सारे हैं वेरी गुड अनटिल और अनलेस के बाद नॉट यूज नहीं किया जाएगा बस ये याद रखना है आपने सतेंद्र और अनलेस का मतलब क्या होता है जब तक ऐसा नहीं होता तो ये खुद ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं अनलेस और अनटिल ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं तो इनके बाद हम नॉट यूज़ नहीं कर सकते राइट right? तो गैज़ ये थे आपके कंजंक्शन के रूल्स जो आपको जो मुझे लगे इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपको याद रखने चाहिए ठीक okay? है तो प्रैक्टिस पे आ जाए चलो गाइज अरे कुछ रूल्स और भी हैं अभी ये रह गए थे नहीं नहीं ये तो वही है यार ना यही जो अभी अभी हमने किए थे चलो प्रैक्टिस पे आते हैं और गाइस देखते हैं कि हमने कितना सीखा है अभी तक ठीक है चलो और एक एक करके आंसर करना है सभी ने करना है क्वेश्चन नंबर दे लिसन टू मी बट देर एक्शन हालांकि वो मेरी सुनते हैं लेकिन वो जो करते हैं उससे नहीं लगता कि वो मेरी बात पे ध्यान देते होंगे राइट right? तो चलो गाइस शुरू करते हैं so, क्या गलती है गाइज इसमें सीधा जो गलती है वही बता देना मेरे कोल दो लिसन टू मी बट देर एक्शन प्रूव अदरवाइज हमने आज ही किया है दो और ऑल्दो के साथ क्या लगता है वेरी वेल डन ये दो या ऑल्दो का मतलब क्या होता है हालांकि वो मेरी सुनते तो हैं फिर भी ठीक है उनके जो कर्म है वो उनके जो एक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं तो ऑल दो के साथ हमने क्या देखा था बट नहीं क्या यूज किया जाता है येट तो ऑल दो देर एक्शन प्रूव अदरवाइज वेरी वेल डन गुड जॉब क्वेश्चन नंबर टू ही ट्रीट एज स्लेव यही एग्जाम्पल में भी था He treats us as slaves. ट्रीट के साथ एज आना चाहिए या लाइक like आना चाहिए गाइज क्या लग रहा है अभी अभी लिखवाया मैंने रूल आपको क्वेश्चन नंबर टू गाइज ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब आपको पता है कि ट्रीट के साथ लाइक like नहीं क्या यूज होगा एज तो हमें ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर इसमें कोई एरर नहीं है नंबर so, no okay. well पे उसने इतनी uh, मतलब परेशानी से उसकी तरफ देखा कि उसको नजर ही फेरनी पड़ गई शी so, looked at हिम इन सच डिस्ट्रेस

आई लाइक बुक्स सच एज आई लाइक नॉवल्स आई लाइक लैंग्वेजेस जर्मन एंड इटालियन ठीक है तो सच एज अभी इकट्ठा यूज होता है ना वो होता है एग्जाम्पल देने के लिए लेकिन जब हम ऐसे यूज करते हैं ना तो यहाँ पे सच के साथ एज नहीं क्या यूज किया जाता है दैट यूज किया जाता है या उसने उसकी तरफ इतनी परेशानी से देखा कितनी परेशानी से कि उसको मुंह फेरना पड़ गया तो इट वॉज बोलते ना इट वॉज सो डिफिकल्ट या सच डिफिकल्ट तो सो और सच के साथ जब हम इंटेंसिटी बताते हैं कितना ज्यादा इट वॉज सो डिफिकल्ट डिफिकल्टी गाइज क्या आना चाहिए एज वी कूडेंट डू इट या इट वॉज सो डिफिकल्ट या सच डिफिकल्ट दैट वी कूडेंट इट क्या लग रहा है गाइज इतना ज्यादा मुश्किल था वो क्वेश्चन कि हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए इट वॉज सो डिफिकल्ट इट वॉज सच डिफिकल्ट एज वी गुड सॉल्व इट या दैट वी गुड सॉल्व इट तो एज की जगह यहाँ पे क्या आएगा दैट आएगा नहीं ऑब्जेक्ट नो एरर नहीं है एज की जगह यहाँ क्या आना चाहिए दैट आना चाहिए ठीक है तो सो और सच के साथ जब हम इंटेंसिटी बताते हैं इतना ज्यादा तो उसका पैर हमेशा किसके साथ सो और सच का पैर हमेशा किसके साथ बनता है दैट के साथ ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग अभी एक जनरल गलती है जो आपको लॉजिकली समझ आनी चाहिए इसमें क्या गलत था दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग ये कौन है यार दो बच्चे जो दो तीन में तीन ही बच्चे हैं जो आते हैं देखते हैं हैं सेशन डिसलाइक करके चले जाते <laughs> कसम मजा ही आ जाता है यार एक बार यार बताओ तो यार कौन करता है डिसलाइक है कोई अभी जो देख रहा है सेशन जो डिसलाइक कर देता है सेशन को देख के भी डिसलाइक कर देता है ये उनको मजा ही आता है शायद क्रिटिसिज्म में वेरी गुड यार देखो वो क्या करे जब उनको कॉन्ट्रोडिक्शन देनी होती है यार ये फिल्म तो इंटरेस्टिंग है लेकिन जो पिछली देखी थी वो बोरिंग थी तो जब हम कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए एंड नहीं क्या यूज किया जाता है बट तो दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग जो कॉन्ट्रडिक्ट्री स्टेटमेंट दे रहे हैं इधर बोरिंग बोल रहा है उधर इंटरेस्टिंग बोल रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए एंड नहीं क्या यूज किया जाता है बट वेरी गुड सो दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग जी गाइज क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट कि भाई ये जानना मुश्किल है कि तुम तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट क्या गलती है वेरी गुड ऋषि ने कहा है वेदर uh, की जगह दैट आना चाहिए इट इज डिफिकल्ट टू नो दैट यू आर सेलेक्टेड और नॉट Very good Rishi. Yes, guys, fifth में क्या answer है अमी को no error लग रहा है वेरी गुड अमे स्वागतिका को दैट लग रहा है वेर uh, एज भी आ सकता था वेर एज अ प्रीवियस वन और बट में यहाँ क्या डिफरेंस होगा नहीं सेम होंगे यार वेर एज भी कॉन्ट्रोडिक्शन देने के लिए यूज होता है उसी statement कॉन्ट्रोडिक्शन ही चोज इकोनॉमिक्स वेर एज आई चोज यू नो हिस्ट्री या ही चोज इकोनॉमिक्स बट आई चोज हिस्ट्री बट बिल्कुल अपोजिट बोलने के लिए होता है वेर हैज़ ए कॉन्ट नो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ हो, होता है बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है एन टी पी सी वाले होंगे सर गलती से चैनल पर आ जाते होंगे ये भी हो सकता है यार एन टी पी सी वालों को मैंने क्या गलत पढ़ा दिया यार हेल्प तो यही यही क्वेश्चन उसमें भी आता है एन टी पी सी में तो इंग्लिश आता ही नहीं है ना फिर तो डिसलाइक वाली क्या बात है यार उन्होंने क्लिक कर दिया और उनको उनके मतलब की चीज नहीं मिली तो डिसलाइक कर दो ऐसे तो नहीं होता यार चलो कोई बात नहीं नो no वरीज यार मतलब तो वैसे ही बोल रहा था डोंट 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 अब गैस देखो कभी भी याद रखना जब भी आपने अनसर्टेटी बतानी होती है ना तो ऋषि ने कहा कि दैट आएगा आकाश ने भी कहा अभिषेक ने भी कहा बहुत बच्चों ने कहा दैट आना चाहिए बट ये गलत है गईस इस क्वेश्चन में नो no एरर है वो क्या कह रहे हैं कि ये जानना मुश्किल है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं तो जब ये ऐसे सिचुएशन होते है ना हुआ है या नहीं मतलब अनसर्टनिटी होती है अनसर्टनिटी पता है ना जब श्योरिटी नहीं होती कि जैसे मैं बोलते आई एम नॉट श्योर दैट ही विल कम टुडे और नॉट या वेदर ही विल कम टुडे और नॉट मुझे नहीं लगता मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आज आएगा या नहीं आई आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू रेन टुडे नॉट मुझे नहीं पता आज बारिश होगी या नहीं तो जब ये uncertainty वाले sentences बोलते हो ना हम that नहीं पे क्या करते हाँ मुझे लगता है यार इन लोगों को ऐसे मजा आता होगा ना स्केप्टिकल से लोग बहुत होते हैं दुनिया में सन के से ना हर चीज में क्रिटिसज ढूंढ रहे होते हैं नो तो वरीज no यार सेंटेंस में नो no एरर था सो so के साथ भी दैट आता है मंजू यस ठीक है सच के साथ भी सो so के साथ भी वेरी गुड सतेंद्र थैंक यू कौशिक यार अरे यार प्लीज मुझे याद दिला दिया करो प्रीवियस ईयर प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कराना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता यार बुरा हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन यार ऐसा करता है एक सेशन ना जितने भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे आपको सभी को एक सेशन रख के डिस्कस करा दूंगा आपको ठीक है आज तो टॉपिक कर लेते हैं मैं भूल गया यार बिल्कुल वो इंक्लूड करना पिछले वाले क्वेश्चन नंबर प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस नाउन एंड लाइक फाइव ईयर फाइव ईयर ओल्ड बॉय बॉयज आर इज प्लेंग अगर अ दिया होगा ना नील अगर अ दिया है फाइव से पहले अ फाइव ईयर ओल्ड बॉय तो अगर अ दिया है तो फिर क्या आएगा अ फाइव ईयर ओल्ड बॉय इज प्लेइंग अगर अ नहीं दिया हुआ तो हम क्या बोलेंगे फाइव ईयर ओल्ड बॉयज आर प्लेइंग तो आगे आर्टिकल का गेम है सारा तो फाइव ईयर ओल्ड बॉय भी हो सकता है फाइव ईयर ओल्ड बॉयज दोनों हो सकते हैं ठीक है इसमें गलती कोई नहीं है फाइव स्टार होटल फाइव स्टार होटल्स ठीक है दोनों करेक्ट होते हैं यस मंजू सो दैट सच दैट कैन वी यूज वी हैव येटली कहाँ पर कहाँ पर यूज करने पूछ रहा हूँ अक्षयता वी हैव हाँ भक्त होंगे ये मुझे भी यही लग रहा है लाइक like, सेंचुरी अब हो गए अच्छा सेंचुरी सौ करवा रहे थे हाँ जी सर आप और क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे अभी एक आ, आर्टिकल्स पढ़ाना है अगला चैप्टर फिर रीडिंग क्लोज़ टेस्ट फिर वो क्या पढ़ाएंगे दीपक जी यस गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ो और देखते हैं क्या आना चाहिए चांस नहीं है चॉइस है यार मिस प्रिंट हो गए ही हैज नो अदर चॉइस अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी, अभी हमने किया था कि अदर के साथ हम बट नहीं लगाते क्या लगाते हैं दान लगाते हैं गाइज तो ही हैज नो अदर चॉइस दैन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस क्वेश्चन नंबर सेवन दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील मील्स दैट एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील्स दैट एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी उन्होंने बस खाना खाया ही था अभी उन्होंने बस खाना खत्म किया ही था कि तभी उन्होंने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया प्रीवियस क्वेश्चन में इट्स डिफिकल्ट टू नो whether we are selected or not नहीं वी ये चेंज क्यों करना है उसमें और ये बताओ अक्षता गाइस गाइस हमने क्या रूल किया था दान नहीं पूजा निखिल हार्डली बेयरली के साथ धैन नहीं क्या लगता है when लगता है यार दैट की जगह पे क्या आएगा पहला रूल यही कराया था हार्डली barely, हार्डली uh, और scarcely के साथ when, और no sooner के साथ लगता है. ड्यूटी so यही मैं बोल रहा था देविका मान नहीं रहे लोग क्वेश्चन नंबर एट आई डोंट नो वेदर राज गुड एजन मुझे नहीं पता राज उतना ही अच्छा है जितना Vimal है. Yes, क्या गलती है इसमें गाइज कभी भी देखते चलो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर आने तो फिर बताता हूँ आई don't नो फिर वही गलती बता रहे uh, जिस थॉमस वैन यू आर अनसर्टन अबाउट समथिंग यू कैन नॉट यूज दैट यू हैव टू यूज वेदर सो आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एजल अब गाइस गलती याद रखना आपको बता देता हूँ किसी भी एडजेक्टिव के बाद अगर आपको एज मिल जाता है तो याद रखना उससे पहले एज लगाना एक रूल होता है जैसे शी इज़ इक्वली टॉल एज हर सिस्टर या शीज एज टॉल एज हर सिस्टर हाँ जी माई ब्रदर इज एज ओल्ड एज माई कजन या माई ब्रदर इज इक्वली ओल्ड एज माई कजन तो गाइज कभी भी याद रखना किसी एडजेक्टिव के बाद में अगर एज आ जाता है तो उसके पहले एज लगाना एक रूल होता है शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर डॉटर ठीक है ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर ही इज एज हार्ड वर्किंग एज हिज कॉम्पिटिटर ठीक है यहाँ पे गलती क्या है आई डोंट नो whether is raj whether raj is as good as vimal ठीक है तो किसी एडजेक्टिव के बाद में अगर एज आ जाता है तो उससे पहले एज आना एक कंपल्शन होता है या आशीष डी को याद कर रहा है डी अगर हो तो बता दो यार as tall as as smart as वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं ही हैज नो अदर बिजनेस बट टू प्ले विद कंप्यूटर्स उसे और कोई काम नहीं है सिवाय सारे दिन कंप्यूटर पे गेम खेलने के अलावा क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर नाइन क्विकली 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 बता दो क्या गलती है वेरी वेल डन नाइन क्या आना चाहिए नो अदर बिजनेस बट टू प्ले विद कंप्यूटर्स I'm as dead as a corpse. तो तुम लिख कैसे रहे हो अगर तुम मर चुके हो तो आशीष नाइन्थ में क्या आना चाहिए अंकिता वेरी गुड हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी किया था यही अदर के साथ बट नहीं आता क्या आता है उसे और कोई काम नहीं है सिवाय किसके कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर पे खेलने के अलावा तो बट की जगह यहाँ क्या आना चाहिए Very well done. And question number ten. Yes, guys. Be smart not only in dress and also in action. Be smart not only in dress and also in action. Can I guys, quickly? Yes, guys. क्वेश्चन नंबर टेन, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड आल्सो इन एक्शन मतलब कपड़ों से स्मार्ट मत बनो अपने कर्मों से भी स्मार्ट बनो अरे वेरी वेल डन बट आल्सो के साथ किस, नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है एंड आल्सो या बट आल्सो तो बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट आल्सो इन एक्शन वेरी वेल डन गाइस चलो तो ये थे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये पांच क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं जो अभी नहीं करने हैं आपको होमवर्क में करने है ठीक है फटाफट से मुझे बता दो कोई डाउट हो तो पूछ लो ठीक है और अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना यार किसी को फायदा हो जाएगा यार छोटे को भाई को कज़न को नेफ्यू को नीस को कोई भी पढ़ रहा है तैयारी कर रहा है ठीक है तो शेयर कर दो क्या पता किसको कि कहाँ बेनिफिट हो जाए इससे है ना लाइक like बेसक मत करो शेयर कर देना यार लाइक वाइक का तो कोई चक्कर नहीं है यार मेरा तो बस पर्पज़ ये है जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतने ज़्यादा पढ़ेंगे सीखेंगे आगे बढ़ेंगे यार यस yes, गाइस तो कैसा लगा सबको सेशन वॉज इट फ्रूटफुल वॉज इट इंफॉर्मेटिव डिड यू लर्न डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू Have you understood what conjunctions are and what type of questions are being thrown at you in the exam? अभी आए ऑनलाइन किरण अरे यार दोबारा देख लेना कोई बात नहीं अरे थैंक यू सो मच गाइस टी एच ए एन वाला नहीं ए एन वाला टी एच ए एन हीच एन वाला okay. से बात नहीं हुई यार अगले सेशन में कर लेना आशीष कोशिश तो करूंगा यार अजर ठीक है अगर तबीयत खराब नहीं हुई सब ठीक रहा तो सारे जरूर लूंगा क्लास यार ठीक है So, offline kar rahe hai bhi toh. Koi nahi yaar. offline karlo no issues okay, guys chalo so, thank you so much for joining in thank you so much for being so receptive So guys all the very best and uh, let's call it a night and i'll see you again in the next session guys okay? thank you so much for the kind words guys and uh, all the very best all my wishes uh, are with you keep on working hard keep on preparing and all the best. Okay. So, the good night, take care, and bye bye, dear.